हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू चैप्टर 3 ऑफ हिंदी ग्रामर. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर हिंदी ग्रामर बुक. ओपन चैप्टर नंबर 3. कम ऑन पेज नंबर 17. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में वाक्य सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंसेस, वाक्य के अंग. सो स्टूडेंट्स, वाक्य के दो अंग होते हैं. फर्स्ट उद्देश्य, सब्जेक्ट. सेकंड विध है, प्रेडिकेट. सो स्टूडेंट्स, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह क्या होता है? उद्देश्य होता है. नीचे देखिए, यहाँ आपको टू पिक्स दी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है शिक्षिका पढ़ा रही है फर्स्ट के नीचे, और सेकंड के नीचे है बच्चे पढ़ रहे हैं. यहाँ शिक्षिका और बच्चे के बारे में कुछ कहा गया है, अतः इन वाक्यों में शिक्षिका टीचर जो हुई और बच्चे स्टूडेंट क्या हो गए? उद्देश्य हैं, क्योंकि उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है. दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वाक्य का कर्ता, कर्ता यानी जो काम कर रहा है या वर्क कर रहा है, जैसे टीचर पढ़ा रही है, वर्क कर रही है ना, तो उस वाक्य का उद्देश्य कहलाता है. अब देखिए, सेकंड है आपका विध है, प्रेडिकेट. वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय कहलाता है, अर्थात उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है. इसमें कर्म और क्रिया का विस्तार आता है. उपयुक्त वाक्यों में शिक्षिका क्या कर रही है? पढ़ा रही है, तथा बच्चे पढ़ रहे हैं. तो क्या हुआ? पढ़ा रही है और पढ़ रहे हैं, इसमें विधेय है यानी प्रेडिकेट है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच.